हेलो एंड वेलकम टू मिशन सी ए पी एफ हब। मिशन सी ए पी एफ हब में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एनडीए के 2022 एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उसका पूरा एनालिसिस इस वीडियो में हम देखेंगे। आप अगर एनडीए का नेक्स्ट अटेम्प्ट वगैरह ट्राई कर रहे हो या एनडीए में आपका कोई भी भाई बहन या कोई फ्रेंड रिश्तेदार वो प्रिपेयर कर रहा हो तो उसको आप ये जो है वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। इस वीडियो में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का जो है आउट ऑफ मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। लीजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज, इनके बारे में क्वेश्चन है और उनका घराना क्या है ये पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लखनऊ जो है उनका ये राइट आंसर है, लखनऊ घराना था पंडित बिरजू महाराज का, ठीक है। और ये हमने कवर किया है हमारे जनवरी 2022 के मैगजीन में। तो यहाँ पर हमने क्लियरली यहाँ पर दिया है कि दैट ही बिलोंग्ड टू द घराना ऑफ लखनऊ, ठीक है। ही बिलोंग्ड टू द घराना ऑफ लखनऊ, यहाँ पे डायरेक्टली मैंशनड है जनवरी 2022 का जो मैगजीन है सी ए पी एफ हब का, वहाँ पर हमने ये कवर किया है, ठीक है। इन दी इन फर्स्ट इंडिया इज टू एक्सपोर्ट ब्राह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री, ठीक है। किस कंट्री को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं ब्राह्मोस मिसाइल, तो वो कंट्री है फिलीपींस। ये पहली कंट्री है ऐसी कि जहाँ पर हम हमारा कोई इंडिजिनसली मेड जो प्रोडक्ट है वो हम इस कंट्री को दे रहे हैं, ठीक है। फिलीपींस है इंडिजिनियसली मेड, हमारा डिफेंस का प्रोडक्ट है ये ब्राह्मोस मिसाइल। हमने रशिया की जो ब्राह्मोस रिवर है, इंडिया की जो ब्राह्मोस रिवर है एंड रशिया का जो मॉस्को रिवर है उससे हमने ब्राह्मोस बनाया है। ये दोनों का, दो कंट्री के बीच का ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो ये जो है हम किसको दे रहे हैं, फिलीपींस को दे रहे हैं। जनवरी 2022 के मैगजीन में फिलीपींस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बाय ब्राह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। यहाँ पे दिया है 2022 का जनवरी का जो मैगजीन है वहाँ पे कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। जो पीएम पे जो अटैक हुआ था, ठीक है, पीएम पे जो अटैक हुआ था पंजाब में, वहाँ पे जो सिक्योरिटी का लैप्स है उसको एग्जामिन करने के लिए या उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमिटी बनाई गई थी, उस कमेटी की चेयरमैन कौन थी ये पूछा है यहाँ पे। तो वो है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ये पैनल की हेड थी। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर जस्टिस इंदु मल्होत्रा टू प्रोब द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी ब्रीच इन पंजाब, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का कलर पूछा है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है लॉन्च किया गया है और उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि हाइड्रोजन गैस जो है ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और हमारे एनसीईआरटी के बुक से आया होगा ऐसा वगैरह, मे बी हो सकता है, बट मेनली ये करंट अफेयर्स में था। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था फरवरी 2021 के मैगजीन में, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर हमने क्लियरली मैंशन किया हुआ है हाइड्रोजन एक नॉन टॉक्सिक गैस है, ठीक है, इससे कोई हार्म नहीं होता ह्यूमन बींग्स को। इट इज़ नॉन मेटेलिक एंड ओडरलेस, ये मेटेलिक नहीं है गैस एंड इट इज़ ओडरलेस, इसका कोई ओडर वगैरह नहीं है, स्मेल नहीं है, ठीक है। इट इज़ टेस्टलेस ऑल्सो एंड इसका कलर भी कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज़ कलरलेस ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि इट इज़ कलरलेस एंड हाईली कंबस्टेबल डायटोमिक गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये फरवरी 2021 के मंथ के मैगजीन में कवर किया गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निसर्ग गति निवारक तोकते एंड यास आर नेम्स ऑफ, ये किसके नाम से, साइक्लोन्स के नाम, साइक्लोन के नाम है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये सबको आ गया होगा। साइक्लोन तोकते मेंशनड है हमारे मई 2021 का जो मैगजीन है वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है साइक्लोन तोकते। रिसेंटली साइक्लोन तोकते मेड लैंडफॉल इन गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 का मंथ है वहाँ से क्वेश्चन आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज वॉज कनेक्टेड विद द इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द ईयर 2021, ठीक है। मणिपुर को कनेक्ट किया गया था, ठीक है, जनवरी 2022 में मणिपुर को कनेक्ट किया गया था जनशताब्दी एक्सप्रेस बिटवीन अगरतला रेलवे स्टेशन टू भादरघाट एंड जीरीबम रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कौन से दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, त्रिपुरा एंड मणिपुर, दो ये कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वीर बाल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। और 26 दिसंबर जो है यहाँ पे वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये ऐसे जो दिवस है या डेज है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 6 दिसंबर जो है मैत्री दिवस, इन्होंने क्या किया है सीडीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मैत्री दिवस कहाँ पे कब है, ठीक है, मैत्री दिवस। और इस एनडीए के एग्ज़ाम में क्या पूछा है,
एनडीए के एग्जाम में उन्होंने वीर बाल दिवस पूछा है, ठीक है। ये मैत्री दिवस हमने जो हमारी बांग्लादेश के साथ फ्रेंडशिप है 1971 के वॉर के बाद हमने बांग्लादेश को रिकग्नाइज़ किया था, उसी लिए हम मैत्री दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसे ही 26 दिसंबर जो है वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस सोमनाथ जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है इसरो के चीफ, के सिवान को वो सक्सीड करेंगे, के सिवान प्रेजेंट हेड है इसरो के, उसके बाद एस सोमनाथ जो है इनका अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो इनको अपॉइंटमेंट एक्चुअली हो गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज टेंथ चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एस सोमनाथ इनका अपॉइंटमेंट हो गया है, के सिवान पहले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट एस सोमनाथ टेक्स ओवर एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी 2022 के मंथ के मैगजीन में हमने ये कवर किया है। तो एक क्वेश्चन है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, CDS के एग्जाम में भी उन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि एज अ परसेंटेज किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो वो 84%, ठीक है, 84% ये है मिज़ोरम में, ठीक है, एज अ एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। बट ओवरऑल अगर हम एरिया की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है फॉरेस्ट ने मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर का जो है हमने कवर किया है हमारे मैगजीन में डिटेल्ड यहाँ पे दिया है कि टोटल फॉरेस्ट कवर के हिसाब से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हैज़ दी लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये हम अगर एज अ परसेंटेज फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स ये देखें तो ये मिज़ोरम है 84.53%, ठीक है, 84.53% इतना जो एरिया है वो कवर किया गया है फॉरेस्ट का इस मिज़ोरम का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ये याद रखिए, आगे भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एरिया उतना, ये डेटा जो है इतना चेंज नहीं होता। मध्य प्रदेश का जो प्रीवियस फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, हर दो साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है और प्रीवियसली भी यही वैल्यूज थे, सब यही था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर था और उसके बाद मिज़ोरम में अराउंड 86% जो है 86% ऑफ इट्स एरिया वॉज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। यहाँ आप इस साल कितना है 84.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन IUCN, ठीक है, IUCN हैज़ रिसेंटली कैरेक्टराइज्ड रेड सैंडर्स। ये पुष्पा वाला रेड सैंडर्स है, पुष्पा मूवी में जो दिखाया गया है वो रेड सैंडर्स है, रक्तचंदन लाल चंदन बोलते हैं इसको, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। जनवरी 2022 के मैगजीन में कवर किया है हमने ये रेड सैंडर्स और रेड सैंडलवुड अगेन इन टू द इंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है। ये जो था पूरा एनालिसिस था करंट अफेयर्स का। ये करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी आपकी यही हो सकती है कि आप जो है ये मैगजीन हमारा 28 पेजेस का जो है वो पढ़ के आप आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे ये करंट अफेयर्स के सेक्शन में ला सकते हो, ठीक है, आउट ऑफ मार्क्स। इवन इफ़ यू डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर्स रेगुलरली, आप न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ते भी ना हो और आपको बहुत सारा आपका जो डेटा है वो मिस होता भी हो तो भी कोई फिक्र नहीं है। आपको क्या करना है, हमारे मैगजीन्स जो है 28 पेजेस के हर मंथ में आते हैं उसको आपको पढ़ना है। आपके जो ये मार्क्स है 10-12 क्वेश्चंस जितने भी आए वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ये हमारी गारंटी है कि वहाँ से आपको 80% मार्क्स का रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस हमने हमारा जो मैगजीन है उसी तरह से बनाया है कि वो UPSC का माइंडसेट या पूरा का पूरा उनका डिज़ाइन जो है क्वेश्चन पूछने का उसी हिसाब से प्लान करके हमारी टीम ने जो है मैगजीन बनाया है। इसका आपको डेफिनेटली अच्छे से फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो आप, और आप ये इनिशिएटिव जो है इनमें भी आपका इंटरेस्ट है तो ये भी हमको आप कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।